टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, संडे है, एंजॉय करिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हमारे सवाल जवाब सेशन पर आप लोग प्यार दीजिए। इस वीडियो को भी खूब सारे लाइक्स दीजिए और बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ हमने उठाए हैं और अगर आपका नाम नहीं आया मैं माफी चाहता हूँ। #AskRuvesh लगाइए और सवाल पूछते रहिए। ज्यादा देर नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल है जय की तरफ से, वो बोलते हैं कि OnePlus कलर OS पे स्विच करते हैं तो हमें OnePlus फोन बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो OnePlus के फोन ऑक्सीजन OS जो होता है वही देखकर लोग लेते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। तो मैं यही कहूंगा कि फिर आप प्राइस देखिए, OnePlus के फोन की प्राइस क्या होती है और Oppo के फोन की प्राइस क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि Oppo थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, OnePlus उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन आजकल हो रहा है, लेकिन फिर भी उस वक्त आपको ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आप Oppo पर ही रहिएगा क्योंकि Oppo थोड़ा उस मामले में ऊपर है अगर उसको OnePlus से कंपेयर करते हैं। आदित्य कुमार बोलते हैं कि अंडर 10,000 पर 5G मोबाइल कब तक लॉन्च हो सकता है? बहुत जल्दी आएगा, मेरे ख्याल से इसी साल होगा, कुछ महीनों में होगा और शायद सबसे पहले Realme कर सकता है। Realme भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर रहा है 7-8,000 की रेंज में 5G फोन लॉन्च करने के लिए, तो बस वेट करिए, बहुत मजा आएगा। रक्षित बोलते हैं कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, Realme 8 5G या Poco M3 Pro 5G? देखिए दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आई थिंक Realme की सेल्फी थोड़ी बेटर है और भी एक आध दो चीज़ होगी इधर उधर, बाकी सब कुछ सेम है ज़्यादातर। और पोको वाला फ़ोन जो है वो थोड़ा देखने में खूबसूरत है। हाँ, सॉफ्टवेयर यहाँ पर Realme UI है, वहाँ पर MIUI चलता है, पोको लॉन्चर है, लेकिन मैं Realme 8 5G पिक करूँगा अगर मुझे करना है तो, बाकी देखा जाए तो दोनों फ़ोन अच्छे हैं। गौरव बोलते हैं कि कैसे हो रोहित भाई, मानसून का मज़ा ले रहे हो? हाँ भाई, मुंबई तो फुल एकदम। एनीवेज उन्होंने पूछा है कि iPhone XR क्या लेना चाहिए आज के ज़माने में OnePlus के मुकाबले, अगर सेम प्राइस पर हो तो आँख बंद करके आप ले लीजिए, क्योंकि OnePlus ऑब्वियसली Apple के सामने आप उसको कहाँ कंपेयर कर रहे हो। तो अगर आपको लेना है iPhone XR तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुंदन बोलते हैं कि बेस्ट मोबाइल बताइए 15 से 20 के बीच में, गुड फॉर गेमिंग, Redmi, Realme, Poco, iQOO। गेमिंग के लिए फिर आप Poco X3 Pro ले लीजिए, Snapdragon 860 है, तो उससे बेटर आपको कोई चिपसेट, मतलब उससे बेटर फ़ोन नहीं मिलेगा फिर गेमिंग के लिए। लेकिन iQOO भी अच्छा है, 20,000 की रेंज का है, जिसमें Snapdragon 768 है, हाँ तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें 5G भी है तो आपके लिए शायद फ्यूचर रेडी भी रहेगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। रिशिन बोलते हैं कि वो फिलहाल के लिए 3 साल पुराना Redmi Note 5 Pro इस्तेमाल करते हैं और वो और 3 साल उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो बैटरी लाइफ कैसे वो मेंटेन करे? देखिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था, यहाँ पर काट देता हूँ, ज़रूर से देखना, जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। और कितना भी पुराना फ़ोन क्यों ना हो, आप उसको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको एकदम डंके की चोट पर बोलता हूँ, सीरियसली। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ फ़ोन्स के अंदर हम जब ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं तो उसका जो चार्जिंग साइकिल है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर बैटरी मतलब बॉडी हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को लॉन्ग टर्म तक एक्सटेंड कर सकते हैं और फ़ोन भी आप आराम से 5-6 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभम दास बोलते हैं कि Realme X9 सीरीज कब आएगा इंडिया में? मोस्ट प्रोबेबली जुलाई ऐसा लगता है, बाकी आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ ये बहुत ही करीब है, बहुत करीब है, बहुत सारी चीज़ें, जब आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। सचिन कृष्णा बोलते हैं कि Redmi बजट सीरीज में 5G स्मार्टफोन कब तक लाएगा? यार ये पता नहीं है, Redmi अच्छे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च तो कर रहा है लेकिन वो सिर्फ 4G दे रहा है, 5G नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि अब उनको 5G फ़ोन लाना चाहिए, या हो सकता है कि जब इंडिया में 5G करीब आ जाए वो धीरे धीरे अपने 5G फ़ोन्स लेके आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इनके फ़ोन्स लेते हैं तो फ़ोन्स में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा सिवाय नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के। हाँ 4G है ना, क्योंकि अभी तो 5G आ रहा है, इनको लाना चाहिए और बहुत जल्दी लाना चाहिए। यहाँ पर प्रधान जी बोलते हैं कि YouTube चैनल उनको ओपन करना है, सब्सक्राइबर कैसे गेन करें? क्या वो मुझसे पूछ रहे कि वो मेरे टेक न्यूज़ अपने चैनल पर डालें तो क्या मिलेगा आपको? आपकी आइडेंटिटी कहाँ है? आप समझ रहे हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? मतलब आप खुद अपने आप को डेवलप करिए, आप दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? वैसे तो मेरे कितने वीडियोस लोग यहाँ पर डाल देते हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर जब मोनेटाइजेशन की बात आएगी तो YouTube आपके चैनल पर एड्स थोड़ी लगाएगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं वीडियो। आप खुद कुछ करिए, खुद के पास कुछ ना कुछ तो पैशन होगा, कुछ ना कुछ तो हुनर होगा, उसको लगाइए और करिए, पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और काम करते रहिए। बस इधर उधर का उठा के डालना, इधर उधर का देख के करना, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हिम्मत रखिए, काम करिए, आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। शेडो क्या बात है, बोलते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बहुत बार बताया हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MA है, हम MA कर चुके हैं और हमने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था, बाद में रियलाइज़ हुआ, फिर मैं कुछ 25 साल के बाद वापस से फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया। और ये एजुकेशन के लिए एज डजंट मैटर, 50 साल की उम्र में भी आप कर सकते हैं। तो हाँ,
माहिर कुरैशी बोलते हैं कि मंथली एवरेज अर्निंग कितनी है, ये सवाल इतने आते हैं मुझसे, मैंने बहुत बार बताया भी हूँ। देखिए अब मे बी यूट्यूब की पॉलिसी हम खुले में नहीं बोल सकते अरे मेरे इतने पैसे आ रहे, आई डोंट नो वाई, लेकिन देखिए आप समझ लीजिए, क्या बताओ यार, कैसे बताओ आपको, आईफोन 12 प्रो मैक्स जो होता है आप समझ लीजिए उसका जो रेट है, सैमसंग S21 अल्ट्रा वगैरह, हाँ ऐसी हमारी इनकम हो जाती है, अब समझदार को इशारा काफ़ी है। रोहन बोलते हैं कि माय नेम इज़ रोहन, अरे क्या बात है, माय क्वेश्चन इज़ व्हेन बगमी अवेलेबल फॉर iOS यूजर्स, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, मुझे आई एम नॉट श्योर iOS के अंदर कभी आएगा, लेकिन बड़ी ही जल्दी आएगा, एंड्रॉयड में आ रहा है, लोग खेल रहे मजे कर रहे, लेकिन आईफोन वालों का क्या, तो उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आ सकता है, बीच में खबर आई थी, मैंने शायद टेक न्यूज़ में दिया नहीं, लेकिन पता चला था मुझे, थोड़े टाइम में शायद आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। मोहित जी बोलते हैं एक्चुअली वो बड़े कंफ्यूज्ड है, Realme X7 Max जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, OnePlus Nord 2 जो आने वाला है और Realme X9 Pro जो आने वाला है, इनके बीच में वो क्या ले, वैसे इसमें एक Poco F3 GT भी जोड़ दो, हाँ तो कन्फ्यूजन बहुत होता है, अभी आपके ऊपर है, अगर आप रुक गए तो रुक गए, अगर आप वेट कर रहे तो फिर जिंदगी भर वेट करते रहेंगे, आप समझ रहे, हालांकि दोनों का एक ही मतलब है, तो जो आपको ठीक लगता है आप वो फ़ोन ले लीजिए, जिसमें ज़्यादा 5G बैंड से जो आपको लगता है कि भाई ये अच्छे समय तक चलेगा आप ले लीजिए, यही मेरा सजेशन है। भव्य मेहता बोलते हैं कि एक 5G फ़ोन चाहिए जुलाई के अंदर, 20,000 के अंडर होना चाहिए, और वो सैमसंग का फ़ोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए ऐसे भी ऑडियंस होती है जिनको सैमसंग के फ़ोन चाहिए, एप्पल के फ़ोन चाहिए, तो हमें इनको भी देखना पड़ता है, तो हाँ आ सकता है, Dimensity 700 के साथ में आने की प्लानिंग हो रही है सैमसंग के कुछ फ़ोन्स, तो अब मुझे ये नहीं पता है कब आ रहे हैं और क्या नाम है उनका, लेकिन हाँ वेट करिए थोड़े महीनों में, सैमसंग झोला लेके बैठा है टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इब्राहिम गराना जी बोलते हैं कि क्या मैं रेडमी बैंड को रियलमी के 65W चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ क्या, चार्जिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपका बैंड फटेगा नहीं, टेंशन मत लो, देखिए उसका जो लिमिट है वो उतना ही चार्ज लेगा जितना वहाँ से, और जो चार्जर है वो उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना इसका लिमिट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा डैमेज भी नहीं होगा, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन मत करो बेटर रहेगा, देख रहे हो चलते चलते बंद हो गया, उम्मीद करता हूँ कि बल्ब खराब होगा तो बेटर होगा, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो बड़ा इशू होगा, क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलता है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा था मैंने इसे, देखते हैं एक दो तीन दिन ऐसा ही रहना पड़ेगा, बाद में जाके अगर बल्ब लगाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। एनीवेज चलते चलते अचानक से बंद हो गया, मैं टेंशन में आ गया। कार्तिक बोलते हैं कि भाई सैमसंग एमोलेड या दूसरे फोन में जो एमोलेड डिस्प्लेस आते हैं इनमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सैमसंग की ज़्यादातर देखा जाए तो अपने जो डिस्प्लेस होते हैं वो दूसरे फोन्स में, मतलब दूसरी कंपनीज को देता है, वो अपने फोन्स में लगाती है, वैसे LG का भी अलग से चलता है, और फ्लूइड एमोलेड अगर आप सुनते होगे OnePlus में या इसमें उसमें, वो सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, बस नाम इधर उधर होता है। हाँ एमोलेड सुपर एमोलेड में फ़र्क है, एमोलेड IPS में फ़र्क है, एमोलेड और OLED में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो वो तो है, लेकिन ज़्यादातर आप इधर उधर जो एमोलेड के डिस्प्लेस देखते हैं ना उसमें कोई खास फर्क नहीं होता है। एडविन बोलते हैं कि कल जियो AGM का हाईलाइट वीडियो बना दो शाम को, ये उन्होंने बहुत पहले मुझे पूछा था जब ये इवेंट हो रहा था जियो का, हमने टेक्नोस में तो आपको ऑलरेडी हाईलाइट दे दिया था, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी थी। फ़ोन जो है दोस्तों ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी इसके बारे में आपको मैंने पूरी स्पेक्स भी बताया था टेक्नोस में जो लीक हुई थी, बाय द वे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कोशिश करूंगा बड़ी जल्दी लेके आने की, समझ लीजिए बहुत जल्दी, अगर जैसे भी इंतजाम होता है हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग जरूर देंगे, 10 सितंबर से पहले कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फोन लेना है कि नहीं लेना, बस वेट करिए अनबॉक्सिंग का, टेक्नोवर स्टाइल में आने वाली है। और फाइनल सवाल है अहम वामिन, क्या नाम है, उन्होंने बोला है कि आप टेक्नोस की बहुत तारीफ की हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में बोला है कि बगमी का फाइनल वर्जन कभी आ रहा है, मुझे पता नहीं यार, ऑलरेडी एक्सेस चल रहा है, सब खेल रहे हैं, बीच बीच में वो खुद अपडेट भी कर देते, तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फाइनल वर्जन रिलीज करेगा, वो चल रहा है आपके पास वही चल रहा है समझ लीजिए, अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन गेम आ गया, खेलो ना छोड़ो ना आगे का। ऑलराइट गाइस ये आपके सवाल थे, हमारे जवाब उम्मीद करता हूँ हमारे नहीं मेरे जवाब से, मेरे भाई तो है नहीं, खैर तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।